सो हे गाइज, कैसे हो आप सब? आप सभी का इंतजार हो जो है बहुत जल्द खत्म होने वाला है, क्योंकि दोस्तों अगर आप आईटीआई पास कर लिए हैं तो आपके लिए जो है बहुत सुनहरा अच्छा खासा मौका हो सकता है, क्योंकि दोस्तों प्रधानमंत्री जो है नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला का जो है आयोजन शुरू होने वाला है। अगर आप भी चाहते हैं इसमें भाग लेना तो आप जो है जल्द से जल्द अपना रिज्यूम एंड बहुत सारे डॉक्यूमेंट जो है फोटोकॉपी एंड फोटो जो है रेडी करके रख ले, क्योंकि दोस्तों प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला का जो आयोजन बहुत जल्द शुरू होने वाला है। दोस्तों इसमें आप जाना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, आप जो है इसमें कैसे भाग ले सकते हैं, ये जॉब लोकेशन क्या होने वाला है, बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप देने वाला हूँ। साथ में आपको ये भी जानकारी दूंगा कि आपका इसमें सिलेक्शन कैसे हो सकता है 100%। तो आप लोग जो है इस वीडियो को जरूर देखिए और साथ में हमारे चैनल पंडित जी ऑफिशियल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों कोई भी जॉब वैकेंसी आती है तो आपको जो है सबसे पहले पंडित जी ऑफिशियल पे जल्द से जल्द बताया जाता है कि अगर आप कहीं पे भी जॉब की ढूंढ रहे हैं तो आप जो है यहाँ से डायरेक्ट जॉब ढूंढकर आप अप्रेंटिसशिप कर सके। सो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला 2022, और ये दोस्तों जो शुरू होने वाला है प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला 10 से 12 अक्टूबर 2022 को शुरू होने वाला है सुबह 10 बजे से। अगर आप भी इसमें भाग लेना चाहते हैं तो आप जो है यहां से रजिस्ट्रेशन के लिए क्यूआर कोड को भी स्कैन कर सकते हैं, या आप जो है डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करके आप इस कैंपस में भाग ले सकते हैं। पोजीशन की बात करते हैं तो दोस्तों इसमें जो है ओनली अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट जो है भाग ले सकते हैं। जॉब लोकेशन ऑल इंडिया। अगर आप इसमें जाना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए बहुत सारी जानकारी दी गई है कि सैलरी आपको इसमें जो है नॉट डिस्क्लोज बाय रिक्रूटर, यानी कहा जाए तो जैसे ही दोस्तों आप इस कैंपस में भाग लेते हैं, आपका सिलेक्शन होता है, आप इंटरव्यू देकर सिलेक्शन लेते हैं, तभी आपको इसमें सैलरी बताया जाएगा और साथ में बहुत सारी जानकारी दी जाएगी कंपनी के बारे में। दोस्तों क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो क्वालिफिकेशन इसमें आपको आईटीआई पास मांगा गया है, एक्सपीरियंस आपको इसमें फ्रेशर होने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो देखिए इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा आपका इंटरव्यू के आधार पर होगा, और यहाँ पे देखिए कैंपस इंटरव्यू डिटेल्स। अगर आप इस कैंपस में 100% जाना चाहते हैं तो आपके पास जो है 10 से 12 अक्टूबर के बीच में जो है समय रहना आवश्यक है, टाइमिंग 10 एम के बीच में। दोस्तों वेन्यू स्थान, अगर आप इसमें जाना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे जो है बहुत सारी जगहों पे जो है भर्ती चलेगी रोजगार मेला के आयोजन पे, शासकीय आईटीआई यथा संभागीय आईटीआई इंदौर, आईटीआई धार, आईटीआई अलीराजपुर, आईटीआई बरवानी, आईटीआई बुरहानपुर, आईटीआई झाबुआ, आईटीआई खंडवा, आईटीआई खरगोन, संभागीय आईटीआई उज्जैन, आईटीआई देवास, आईटीआई रतलाम, आईटीआई सुसनेर, आगर मालवा, आईटीआई मंदसौर, आईटीआई नीमच एवं आईटीआई शाजापुर। तो दोस्तों टोटल इतने जगहों पे जो है सभी आईटीआई में जो है भर्ती चलेगी। अगर आप कहीं पे भी नज़दीक पड़ता है तो आप जो है वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करके आप उस कैंपस में पहुँच सकते हैं। दोस्तों अगर आप इस रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आप जो है जल्द जल्द डिस्क्रिप्शन के नीचे जाइए और यहाँ पे आप जैसे ही रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक कीजिएगा तो आपके पास एक ऐसा पेज ओपन होगा जहाँ से आप जो है इसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सो गाइस यहाँ पे देखिए जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ रजिस्ट्रेशन लिंक पे, तो यहाँ पे जो है मेरे पास कुछ ऐसा ऑप्शन खुलकर आने वाला है, हमारे पास कुछ ऐसा पेज ओपन होगा जिसके बाद आपको क्या करना है कि ये सारे डिटेल्स जो आपको ऑलरेडी पढ़ लेना है, तभी आपको और सारी जानकारी जो है मिल जाएगी। क्योंकि मैं जितना पढ़ूंगा तो दोस्तों ये वीडियो जो है बहुत लंबा हो सकता है, लेकिन मैं इसलिए कर रहा हूँ कि अगर आप इसमें जाना चाहते हैं तो आप जो है जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक कीजिए और ये सारी जानकारी आप स्टेप बाई स्टेप पढ़ लीजिए, क्योंकि इसमें जो है बहुत सारी जानकारी आपको दी गई है जिसके अनुसार आप इसमें भाग ले सकते हैं। और जैसे ही आप इसे पढ़ लीजिएगा तो दोस्तों एक नीचे ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। और नेक्स्ट पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला और आईटीआई जो है मध्य प्रदेश फ्रॉम 10 अक्टूबर से लेके 12 अक्टूबर तक। और इसमें जो है आपको अपनी बेसिक डिटेल्स, कैंडिडेट का क्या क्या किए है, कहाँ तक पढ़े हैं, उम्र क्या है, मेल के है या फीमेल है, धर्म, श्रेणी, बहुत सारी इसमें जानकारी जो है आप स्टेप स्टेप से भर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सारी जानकारी अच्छा लगा होगा।
अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों अगर आपको इसमें लगता है कि कुछ और जानकारी चाहिए तो आप जो है हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट पे 100% रिप्लाई देने का प्रयास करूँगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने ऐसे ही नए जॉब के साथ न्यू वैकेंसी में।